हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक हेयर केयर वीडियो और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो उन्हें आप कैसे सही करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स होते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले तो स्प्लिट एंड्स सिर्फ वो नहीं होते जहां आपके बाल का जो एंड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सिर्फ वो स्प्लिट एंड नहीं होता। बहुत तरीके के स्प्लिट एंड्स होते हैं। कई बार हमारे बाल एंड से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कई बार वो तीन में हो जाते हैं, चार में हो जाते हैं। कभी एक बार अगर आप नोटिस करेंगे तो उस बाल में, एक ही बाल में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैंड्स बने हुए होते हैं और बाल को बिल्कुल डैमेज होता है। तो जब एक वो स्टार्टिंग होती है कि जब हमारा बाल नीचे से बिल्कुल जरा सा जो है स्प्लिट हो गया है तो उसको क्योर किया जा सकता है। पर जैसा कि मैंने बताया कि एक बाल के बहुत सारे स्ट्रैंड्स निकल गए तो यानी कि वो बाल एकदम डैमेज हो गया है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। सो उस स्टेज पर आप ना पहुंचे और आप अपनी जो इनिशियल स्टेजेस है उसी में आपके स्प्लिट एंड्स को सही कर दे, ऐसा मैं आपको कुछ बताने वाली हूं आज। किसी भी चीज को हम जब ट्रीट करते हैं, उसे सही करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उसके रीजंस क्या है, ताकि अगली बार से हम वो चीजें तो कम से कम ना करें। स्प्लिट एंड्स होने के सबसे बड़ा रीजन है आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है, आपके बालों में न्यूट्रिशन नहीं है, आपके बालों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन बालों को रेगुलरली लग रहा है। तो वो क्यों लग रहा है? सबसे पहली बात, आप अपने बालों को ओवर वॉश करते हैं, यानी कि आपने हर दूसरे दिन, हर एक एक दिन में ऑल्टरनेट डेज पे आप बाल धो रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी हेयर लेंथ है, अगर इतनी भी हेयर लेंथ है तो भी आपको रेगुलर वॉशिंग नहीं करनी चाहिए। आपके जो बालों का नेचुरल ऑयल होता है इससे वो जाता है और जब नेचुरल ऑयल ही बालों से निकल जाएगा तो बाल अपने आप ही बेजान हो जाएंगे और स्प्लिट एंड्स होना चालू हो जाएंगे। तो ये एक रीजन है। दूसरा है, आप बालों में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कलरिंग कर रहे हैं, बालों को हीट दे रहे हैं। देखिए, कलरिंग अगर आप कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बालों को एक बार कलर करने के बाद जब आपको लगता है आई एम डन विद इट, तो कम से कम 3 से 4 महीने का गैप तो दीजिए ही दीजिए। बालों को ब्रीथ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बाल वही है, डैमेज होंगे, बालों की क्वालिटी बहुत खराब होगी। दूसरा, अगर आप बहुत जल्दी बालों में यानी रेगुलर बेसिस पे आप बालों को आयरन कर रहे हैं, बालों को हीट दे रहे हैं, तो बाल खराब होंगे ही होंगे। आपको आयरन करना है तो पहले बालों में कुछ ना कुछ जैसे हीट प्रोटेक्टिंग ऑयल्स आते हैं, हीट प्रोटेक्टिंग क्रीम्स आती है, वो आप यूज करिए, वरना आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे और स्प्लिट एंड्स होंगे ही होंगे। तो ये दो चीजें आपको थोड़ा सा अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज, आप बालों में ऑयल अच्छे से नहीं डालते हैं, मतलब डालते हैं ऑयल बट पहली बात आपका मेथड गलत है, या आप रेगुलर नहीं डाल रहे हैं, आप स्किप कर रहे हैं, तो उस वजह से बालों में ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो बाल बीच में से स्प्लिट होंगे। आप बालों को वॉश करने के लिए, स्पेशली सर्दियों में मैंने चीज देखी कि लोग ठंड के मारे हॉट शावर्स लेते हैं, मतलब अपने बालों को भी वो गर्म पानी से धोते हैं, इससे बाल बहुत ज्यादा खराब होते हैं, मतलब बाल एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे वो नहीं होता, जैसे अगर आप बालों को हाथ लगाएंगे आपको अपने आप फील होगा कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा कड़क हो गए हैं, अजीब से हो गए हैं, तो वो हॉट वाटर बाथ से होता है, उससे प्लीज 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 दूर रहिए। अपने बालों को आप लूकवॉर्म वाटर से धो सकते हैं, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, उससे आप आराम से धो सकते हैं। एंड लास्ट इज, आप अपने बालों में बहुत ज्यादा केमिकल एप्लीकेशन करते हैं, जैसे रिमाउंडिंग करवाते हैं और भी कई ट्रीटमेंट्स आते हैं जो लोग अपने बालों पर करते हैं, करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमेशा मैं कह रही हूँ करवाने के बाद कम से कम 3 से 4 महीने का गैप दीजिए, अपने बालों को ब्रीथ करने दीजिए, अच्छे से ऑयलिंग करिए। उस वक्त अपने बालों की अगर आपने केयर करी तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बालों पर कोई ट्रीटमेंट लेंगे, कलरिंग करवाएंगे, तो वो इतने डैमेज नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अब स्प्लिट एंड्स हो गए हैं तो उन्हें सही कैसे करना है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे जो उसका इनिशियल स्टेज होता है, यानी कि बाल बिल्कुल हेल्दी है बट नीचे से स्प्लिट हो गया है, तो अब क्या करें। आपको नो मैटर व्हाट, आपकी बाल की लेंथ कुछ भी हो, आपको हर 1 महीने में बालों को ट्रिम करना ही करना है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर हेयर कट है एंड ऑल दैट, तो यू कैन गो टू पार्लर, उन्हें बोल दीजिए कि ज्यादा नहीं, मतलब इतना नहीं कि 1-2 इंच आपको छोटे करवाने, बिल्कुल एंड से आप थोड़े जो है ट्रिम कर सकते हैं। इससे होता क्या है, जैसे हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स को भी कहते हैं ना कि जितनी उनकी छटाई होती है उतने ही वो अच्छे से बढ़ते हैं, वैसे ही बालों में भी होता है। आप बालों को जितना अच्छे से ट्रिम करेंगे, उन्हें हेल्दी रखेंगे। देखिए, एक और चीज अगर आपने कभी नोटिस की हो तो जब भी आप अपने बालों को ट्रिम करवाते हैं उसके बाद बाल एकदम हेल्दी लगते हैं। वो इसलिए हेल्दी लगते हैं क्योंकि जो नीचे के जो आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं या जो भी आपके बाल नीचे डैमेज हो गए वो सब जब हट जाता है तो बाल एकदम ब्यूटीफुल और सुंदर लगते हैं, और उसके बाद जब वो ग्रोथ आती है तो वो बहुत सुंदर आती है। सो कीप दिस इन योर माइंड, यू हैव टू ट्रिम योर हेयर इन एवरी 1 month। अब जिनके नीचे स्प्लिट एंड्स है वो तो नीचे से ट्रिम कर देंगे, पर ऊपर जिनके स्प्लिट एंड्स है वो क्या करें। बहुत इजी ट्रिक है, आपको बालों को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पोनी बनानी है, उसके बाद में आप अपने बालों को ट्विस्ट करोगे। जब आप ट्विस्ट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो छोटे छोटे बाल बाहर निकलते हैं ना वो सारे स्प्लिट एंड्स ही हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो आप एक सीजर लेके उनको धीरे 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 कट कर सकते हो, 15-20 मिनट में आपके जितने स्प्लिट एंड्स है वो सारे ही निकल जाएंगे। तो इनकेस आपको ऊपर भी स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं।
हर बार मैंने अपने वीडियोस में चीज मेंशन की है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी बोला है, मेरे शॉर्ट्स में भी बोला है, ऑलवेज यूज अ वुडन कॉम इन योर हेयर. क्यों? क्योंकि जब आप प्लास्टिक का कॉम यूज करते हैं तो आपके बाल जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से वो दूर जाते हैं, और जब वो दूर जाते हैं तो वो आपस में उलझते हैं और उसकी वजह से आपके बालों में नॉट बन जाती है. और अब अगर बालों में नॉट बन जाती है, बाल इतने पतले होते हैं कि आप उस नॉट को खोल नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नॉट बन गई है, और इवेंचुअली वो बाल टूटता ही है, और जब वो टूटता है तो बाल स्प्लिट हो जाता है, तो इस वजह से भी स्प्लिट एंड्स होते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि वुडन कॉम यूज करना है, और कभी भी आपको अपने बालों को रूट टू टिप कभी भी ब्रश नहीं करना है. आपको हमेशा अपने बालों को, अगर आपको सुलझाने हैं, अपने बालों को आप नीचे से पकड़ेंगे एक पर्टिकुलर लेंथ पे, और उसके बाद धीरे धीरे अपने बालों को जो है ब्रश करना चालू करेंगे. जिन भी शैम्पूज में, कंडीशनर में, ऑयल में, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है. उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, उसमें मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर पैराबेंस नहीं होने चाहिए. इससे आपके बाल डैमेज होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं बालों से, उनका नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाल ड्राई होते हैं और फिर वो टूटते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हीट बहुत ज्यादा अपने बालों में देते हैं तो आपके बाल डैमेज होंगे ही, स्प्लिट एंड्स होंगे ही. अभी मैंने अपने बाल वॉश किए हैं और मैंने नेचुरली इनको ड्राई होने दिया है. आपको भी आपके बाल जब भी आप धोते हैं उसके बाद लो की आदत होती है, फटाफट ब्लो ड्राई कर लो यार, फटाफट से कर लो एंड ऑल दैट, इसको खत्म करो. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आपको करना क्या है, जो ब्लो ड्रायर जो होता है उसकी नोजल जो होती है वो आपको ऊपर रखनी, नीचे नहीं रखनी. अपने बालों का जो एंड होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसके नीचे नहीं रखना है, नहीं तो बालों का जो फेस, मतलब उनका जो मुंह होता है वो यूं खुल जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हीट दे रहे हो, बाल अपने आप गर्म हो रहे हैं, और गर्म होने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो वो अपने आप स्प्लिट हो जाते हैं. आपको नोजल हमेशा ऊपर रखनी है, और ऊपर भी आपको बहुत दूर रखना है, और उसके बाद में धीरे 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 अपने बालों में वो जो एयर है उसको जाने देना है, ताकि बाल डैमेज ना हो. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. जिनकी कंप्लेन है कि हमें बालों में ऊपर की साइड भी, यानी स्कैल्प से बिल्कुल जो हमारे यहाँ वाले बाल होते हैं, क्राउन एरिया एंड एवरीथिंग, यहाँ पर भी हमें स्प्लिट एंड्स है, तो हम क्या करें? पहली बात तो आपको यहाँ पर स्प्लिट एंड सिर्फ एक वजह से हो सकते हैं, कि आप जो पिलो केस यूज कर रहे हैं, जिस पर आप सोते हैं, वो सिल्क का नहीं है, वो किसी और मटेरियल का है. होता क्या, आपके बालों में फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन की वजह से बाल कोलाइड करते हैं, जब वो कोलाइड करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, आपके बाल में ऊपर की साइड भी बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड दिखना चालू हो जाते हैं. तो सबसे पहले आज ही आपको एक पिलो केस ऑर्डर करना है, आपको अमेजोन पे इजिली मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे इजिली मिल जाएगा. दूसरी चीज आप ट्राई करिए कि जब भी आप सोए तो आपके बालों को बांध कर सोए. आप बन भी बना सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट होता है आप एक ब्रेड अपने बालों की बना लीजिए और उसके बाद सोइए. ब्रेड को आप साइड में कर दीजिए और इस साइड आप सो सकते हैं, उससे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते और स्प्लिट एंड्स ऊपर की साइड होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाते हैं. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज है तो एक तरीके से आपकी बॉडी आपको कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है. आप अपनी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, आप पानी सही से नहीं पी रहे हैं. तो देखिए, एक्सटर्नल चीजें जितनी भी थी मैंने आपको बताई, बट इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है. और इस वक्त जब बहुत ज्यादा गर्मी है तब तो आपको ज्यादा पीना चाहिए. आपकी स्किन है, आपकी हेयर है, हर चीज पर अगर आप कुछ भी अपनी डाइट में कमी करते हैं, सबसे पहले उन्हीं पर इफेक्ट दिखता है. तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है. बालों की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रोटीन टेक बढ़ाना ही है. आप स्प्राउट्स ले सकते हो, उसके अलावा जितने भी प्रोटीन ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो वो सारे आप लीजिए. जिनके बहुत ज्यादा डैमेज है वो तो प्लीज आज से ही ये चीज चालू कर दीजिए. आपसे मैं एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ. जब मैंने जिम जाना चालू किया था, उसके बाद आप जानते ही हैं कि प्रोटीन शेक तो जिम वाले पीते ही हैं, और मैंने जब स्टार्टिंग में पीना चालू किया तो मुझे इतना पता नहीं था, पर मैंने लॉकडाउन में ये चीज़ नोटिस की कि जब मैं प्रोटीन शेक पीती थी और मैं जिम जाती थी, तो उसकी वजह से जो मेरे बाल थे, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ लाइक रॉ प्रोटीन, तो उसकी वजह से जो मेरे बाल थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए थे. मतलब मैं जब भी बालों को टच करती थी तो मुझे एक सॉफ्टनेस फील होती थी, और वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक अच्छा जा रहा है. तो आई वुड सजेस्ट कि ये तो आप प्लीज़ करिए. ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि प्रोटीन शेक पीजिए, बट आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गए, आमंड्स हो गए, जो भी है, आप प्लीज़ अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज करिए. जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो तो आपको फॉलो करनी है. इसके अलावा जैसे अगर आपने अपने बाल ट्रिम कर दिए हैं, अब आप चाहते हैं कि आपके स्प्लिट एंड्स ना हो और आपके जो नीचे से बाल है वो सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, और दोबारा से कभी वो स्प्लिट ना हो, तो आपको मैं एक छोटा सा मास्क बताऊंगी. वो आपको हफ्ते में आप चाहे दो बार भी करेंगे इनफ है, इससे आपको करने की जरूरत ही नहीं. आप एक बार भी करेंगे तो भी चलेगा. आपको करना क्या है, आपको जो दूध पर मलाई आती है, नॉर्मली जो हमारे दूध जब हम उबालते हैं उस वक्त जो मलाई आती है, वो आपको लेनी है. आपके जो बालों के नीचे वाला पार्ट है, मतलब ऐसे ये जो नीचे यहाँ पर स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये वाला पार्ट है, इसकी आपको एक ऊपर से पोनी जैसी बना लेनी है, और उसके बाद में आपको नीचे जहाँ को लग रहा है कि बाल बिल्कुल बेजान हो गए, वहाँ वहाँ पर वो मलाई को अप्लाई करना है. ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगेगी, बिल्कुल पतली सी लेयर लगेगी, क्योंकि मलाई को धोना भी एक टास्क होता है. तो उसको आप लगाइए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसको नॉर्मली पानी से वॉश कर दीजिए. आप चाहें तो उसके बाद शैम्पू भी कर सकते हैं, उसके बाद कंडीशनर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी नीड नहीं पड़ेगी. आप नॉर्मली पानी से धो दीजिए. देखिए, धोएगा अच्छे से, क्योंकि वो मलाई है, इतनी इजीली नहीं धुलती है. उसको धुलने के बाद आप
आपके बाल बिल्कुल वैसा फील देंगे, वो जो लीव इन कंडीशनर वाला एक स्मूथ सिल्की इफेक्ट जो बालों में आता है ना, वैसा आपके बालों में इफेक्ट आएगा और वो बहुत ही नरिश और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। दैट्स इट गाइस, ये सारे डूज एंड डोंट्स अलोंग विद द मास्क दैट आई टेल यू, अगर आप फॉलो करते हो, रिलीजियसली फॉलो करते हो, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, स्प्लिट एंड्स आपको नहीं होंगे, आप रेगुलरली ट्रिम करिए, जो चीजें मैंने बोली है वो करिए, मास्क आप लगाइए, एकदम ब्यूटीफुल लस्ट्रस हेयर आपके हो जाएंगे। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितना जेंटल आप अपने बालों के साथ होंगे उतने ही वो ब्यूटीफुल होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।